सूर्यवंश में यमुना जी महाराज जो यज्ञ के जल का पान कर गए गर्भवत बोलो राधे राधे। यहाँ कर थोड़ी सी जीव ना लड़खड़ा जाती है क्योंकि पुत्र कामुची यज्ञ किया युवराज जी महाराज ने, तो जिस जल को पत्नी को पीना था पत्नी गर्भवती होगी उस जल को राजा युवराज पी गए और राजा बती तो बोल नहीं सकते क्यों बती है ही नहीं गर्भवता हो गए। स्वयं चिकित्सालय के द्वारा उस बच्चे को जन्म दिया। अब संकट आया है कि बच्चे को दुग्ध पान कौन कराए। देवराज इंद्र आए अपनी तर्जनी अंगुल उसके मुख में दी और उसी का नाम रखा मानधाता। मानधाता के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के त्रिविंदक हुए, त्रिविंदक के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र जी महाराज हुए, बाहुक हुए, सगर जी महाराज हुए, जिनकी दो पत्नी थी सुमति केशनी, केशनी के असमंजस हुए, सुमति के एक मांस का पिंड हुआ जिसके 60,000 टुकड़े कर दिए, 60,000 मंत्र शक्ति से बच्चे हो गए। उन्हीं टुकड़ों के महाराज सगर ने अश्मी यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, देव राजेंद्र घोड़ा को ले जाकर कपिल देव भगवान के आश्रम पर बांध दिया। सगर के पुत्रों ने इस पृथ्वी को इतना खोदा कि सागर से नाम पड़ गया समुद्र, समुद्र नाम पड़ गया। बोलना दो बढ़ेगा और जोर से। अरे भाई आप इतने हो, मैं अकेला हूं तो मुझसे ज्यादा आवाज था कि निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए। आधे तो कहीं पीछे आते उठा दो बस वही में काम चल जाएगा। बोलना दो बढ़ेगा। और याद रखना पता है कौन बोलता है। राम रावण में जब युद्ध चल रहा था तो रावण ने क्या किया था, अपनी सेना को बंदर बना दिया था। अब सारे बंदर तो एक जैसे होए पत्तो थोड़ी लगे, हमारे वृंदावन में जाना तुम्हारा चश्मा लेकर भाग जाएंगे। हमारे वृंदावन के बंदर बड़े चालाक है साहब, पहले पर्स लेके भागते थे, लोग चालाक हो गए बोले पर्स ही नहीं रखते हम, अब छुड़ाओ। बंदर बोले भाई बदलना पड़ेगा प्लान। फिर मोबाइल लेके भागने लगे, लोगों ने मोबाइल भी धमकाना चालू कर दिया। बंदर बोले कुछ तो और करना पड़ेगा, इसमें काम को नहीं चले। बंदरों ने अब क्या किया, चश्मा लेकर भाग जाते हैं और देखो 2 मिनट इंतजार करेंगे और सुनो फ्रूटी से नीचे नहीं मांगते। फ्रूटी भी बड़ी वाली चाहिए, 10 रुपये वाली में भी राजी नहीं होते। 2 मिनट इंतजार करेंगे, लेके आ रहे हो, अगर नहीं लेके आओगे ना देखते रहोगे तो पहले चश्मे की जो डंडी होती है उसे चबाएंगे, दिखाएंगे दांतों से लगा लगा के। बोले नहीं लेके आ रहा, बोले तो ले। अब सब बंदर एक जैसे, सारे बानर आकर बोले राम जी से माफ करना सरकार, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। बोले क्यों, बोले रावण ने चालाकी की है। बोले क्या चालाकी की है, बोले अपने सभी मंत्रियों को बंदर बना दिया है। जामंत जी बोले जय श्री राम, सारे बानर बोले जय श्री राम। जामंत जी बोले जाओ युद्ध करो। बानर बोले ये कौन सी बात हो गई। बोले अरे भैया युद्ध करते रहना और जय श्री राम बोलते रहना। बानर बोले इससे क्या होगा। बोले जो राम जी का होगा वो तो जय श्री राम बोलेगा, जो रावण का होगा वो क्यों बोलेगा। अब देख लीजो जो राम जी का होगा वो तो राधे राधे बोलेगा, अब जो रावण का होगा वो तो नहीं कहेगा, नहीं बोलेगा। आधे तक वो देख रहे हैं। बोलना तो बढ़ेगा। कपिल देव भगवान के आश्रम पर ले जाकर बांध दिया। कपिल देव भगवान ने जब सगर जी महाराज के पुत्र वहां पर पहुंचे तो कपिल देव भगवान ने अपने त्रिनेत्र से 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। प्यारे
कपिल जी भगवान से प्रार्थना की। कपिल जी भगवान कहते हैं अगर गंगा माँ आ जाए तो तुम्हारे पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है। सगर जी महाराज ने तपस्या करी, असमंजस ने तपस्या करी, अंशुमान ने तपस्या करी, पर गंगा माँ को ब्रह्म लोक से ना ला सके प्यारे। दिलीप ने तपस्या करी, भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा माँ को लेकर आ गए। बोली गंगा महारानी की, बोली गंगा महारानी की। आगे चल के भागीरथ के खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घवाहु हुए, दीर्घवाहु के रघु हुए, जिन रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश से नाम पड़ गया रघुवंश। इसी रघुवंश में आगे चल के एक और प्रतापी राजा हुए, महाराज दशरथ, जिनके कोई संतान नहीं थे। एक बार वसुदेव जी महाराज से जाकर कहते हैं, गुरुदेव क्या मेरे बाद कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा? क्या कोई मेरे घर संतान नहीं होगी? वसुदेव जी महाराज कहते हैं पुत्र का मुझे यज्ञ करो। और महाराज दशरथ ने पुत्र का मुझे यज्ञ किया है प्यारे। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता चैत्र मास शुक्ल पक्ष दिन के ठीक 12 बजे मेरी राघवेंद्र सरकार अवतार लेकर आ गए। बोली राघवेंद्र सरकार की। प्यारे जरा उस झांकी का दर्शन करके देखो, कितनी प्यारी झांकी है। संकम चक्रम सक्रीट कुंडलम सफेद वस्त्र, संकम चक्र गदा पद तथा वरमाला पहने हुए हैं, पीतांबरी धारण कर रखी है, चतुर्भुजधारी हैं। प्यारे कोई नहीं जानता भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान राम का जन्म कैसे हुआ। सिर्फ अगर कोई जानता है तो एक व्यक्ति है, सिर्फ माँ कौशल्या जानती है प्यारे। इसलिए कहा जाता है कौशल्या के हितकारी। भगवान बोले माँ आपको पता है आपने पूर्व जन्म में कहा था चाहूं तुम सम दुलार, तुम्हारे जैसा लाल मुझे चाहिए, आप जैसा बहुत खोजा माँ, हमारे जैसा कोई नहीं मिला, हम खुद ही पुत्र बनकर आ गए। माँ पुत्र बनकर आ गए। माँ बोली वो तो ठीक है, पर लेकिन एक बात बताओ, तुमसे पुत्र बन के आने को कहा था, तुम तो पिताश्री बन के आए हो। कोई 20 फुट को छोरा होएगा, कोई 4 हाथ को छोरा होएगा, कोई अस्त्र शस्त्र लेके आता है क्या, कोई कपड़े पहन के आता है? भगवान बोले मैया तू तो कितनी बोरी है, अरे तू मेरे से बेटा के, मैं तेरे से मांग बताओ, हो गई ना माँ बेटा, काई को चिंता करती है। भगवान बोले नहीं नहीं प्रभु, माँ का कौशल्या कहती है प्रभु छोटे हो जाओ ना। भगवान छोटे हो गए, बोले माँ अब तो ठीक है। मैया बोली पहलिया गदाए तो छोड़ा, कोई ये मारे वे को थोड़ी आए हुए, अरे बाद में धारण करना, पहले इसे तो हटाओ। भगवान ने गदा हटाई है प्यारे। चंग संग चक्र गदा तो इन सब को हटाया है। भगवान कहते माँ अब तो ठीक है, अब तो द्वार खोलो। माँ बोली वो तो ठीक है, पर लेकिन 4 हाथ को छोरा होएगा, पहले 2 हाथ तो हटाओ। भगवान बोले ठीक है, ये लो 2 हाथ भी हटा देते हैं, अब तो ठीक है माँ, अब तो द्वार खोलो। माँ बोली दारी के अब छोरा है बनवो नहीं आयो का, अरे कोई कपड़े पहन के छोरा आता है क्या, पहले कपड़े तो उतारो। भगवान बोले कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। बोले हाँ माता पुने बोली सो मत डोली, तरह ताक यह रूपा तीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सब करम। माता कहती है कीजिए शिशु लीला, ये ब्रह्मांड ने निकाया, ये ब्रह्मांड की माया को ब्रह्मांड में छोड़ो।
भगवान कहते हैं जब छोटे हो गए तो नंगे होने में क्या जाता है। भगवान ने वस्त्र उतार दिए, बोले मैया अब तो ठीक है, हमें देखने के लिए हजारों नर नारी खड़े, द्वार खोलो। मैया बोली अरे रो तो सही, रो तो सही। भगवान बोले काहे को रो में। मैया बोली अगर होते चोरा नहीं रोता तो परिवार वाले रोवे लग जाए। हे भगवान कहीं गूंगो तो ना है, कहीं बेरो तो ना है। भगवान बोले रोना भी पड़ेगा। बोले हाँ सुन भजन सुजाना रोदन आना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हर पद पावै तीन परहि भवतुपा। और प्यारे बोले बाबा माता पार्वती ऊपर से देखने लग रही हैं। बोले बाबा कहते हैं अरे देवी कुछ देखा? माता पार्वती बोली कुछ नहीं दिखता। बोले इधर नहीं उधर देखो। माता बोली क्या भाई? रघट कृपाला ईद दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध मेहतारी होने मनहारी अद्भुत रूप जब ज्ञाना बहुत कई कथा सुहाई बात बुझाई कई प्रकार सुत प्रेम पुनि बोली सुमत बोली कजाता ये चरित जगावै हर पद पावै तीन परहि भवतुपा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, राम जी की खुशी किस किस को है? जन्म की सभी को है, पक्की बात है। नीचे क्यों हाथ कर रहे हो फिर? अच्छा खुशी होती है तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं? नाचें। जिनको खुशी है अपनी स्थान पर वहीं पर खड़े होंगे। और देखो मेरे राम के जन्म की खुशी में जो नहीं नाचेगा ना, आज उनको उनके बगल में बैठने बारे की सौगंध है। अब देख लीजो तुम्हारी बगल में जो ना नाचे ना, भाई मैं कौन ही मारियो, अपनो ना ही हमारा तो ध्यान न कियो। तुम दोनों एक दूसरे को ध्यान न कियो, भाई मैं मेरो राम जन्म उत्सव मन जाएगा। और क्या कहेंगे? हो जन्मे है चारो भैया अब तुम्हें बाजे बधैया, जन्मे है चारो भैया अब तुम्हें बाजे बधैया।
बाजे बधैया हा बाजे बधैया भैया लुटा भैया अवध में आजे बधैया जनमियो रघु रैया बधाई है एक बात बताओ राम जी के बाबा कौन बनेगा बाबा कौन है राम जी को सारे तो बाबा बधाई कौन देगो तो बधाई दो ये बेचारे ऐसे बधाई कौन देगा अरे बधाई तो दो बेचारे इतनी देर से मेहनत कर भी लग रहे हैं आपको भगवान से मिलाने का काम कर रहे हैं बधाई दो मगर बाबा हो दो बाबा लुटावे अनधन सोना बाबा लुटावे अनधन सोना अनधन सोना अनधन सोना अनधन सोना अनधन सोना बाबा लुटावे अनधन सोना बाबा लुटावे अनधन सोना भैया 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 लुटावे रुपया अवध में Oh,
छवि चंद्र सखी भज राम कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल प्रभु छवि सबको मिलेंगे ये मैं समझियो कि आगे आगे दिया है नहीं पीछे वालों को भी दिया जाएगा बैठ जाओ थक गए होंगे पानी पत्ता पे बैठ जाओ बहुत देर परेशान है होंगे पर पीछे पीछे होके आगे कोई भी नहीं बैठेगा पीछे पीछे होइए बड़ा सुंदर नामकरण हुआ है पर एक बात कहूंगा सच में मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है आपा की आप जानो आपा को घर की याद आ रही होगी पर हमें को नहीं आ रही और हम तो जब भी घर से आते हैं ना पहले कह के आते हैं जब तक भगवान का नाम गाएं तब तक हमारे पास फोन भी मत करियो बोलना तो पड़ेगा जो आनंद सिंधु सुपुरासी सो सुखधाम राम नामा कि जिसके नाम की एक दो भी मिल जाए प्यारे जीवन बदल जाता है जीवन बदल जाता है प्यारे उसका नाम भरत रखता हूँ भरत रखता हूँ Oh,
सकल जगत आधा लक्ष्मण का प्रिय सकल जगत आधा भगवान की बोली चारों भैया ने की बोलना तो बढ़ेगा और जोर से आइए राम कथा को वंदन करके आगे चलना चाहेंगे समय के आधार से या उन्हें दे देख लो भगवान को जन्म तो 12 बजे हुए उसे बताओ इन जोगेश जी ने कौन सी धारे काटनी है यू कर रहे ने के ध्यान रखना और मोह तो कोई आज तक दिखी भी नहीं इनके घर में भैंस या गैया बोलना दो पड़ेगा रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। अगर प्यारे आज भगवान का नाम नहीं गाओगे तो कल का भरोसा नहीं है प्यारे कल का भरोसा नहीं है। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा यूं ही कब तक भटकते रहोगे एक ना एक दिन तो किनारे लग जाओ। आप जिस भी काम में लगे हो बस राम का नाम गाते रहो प्यारे बोलो राधे 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 राधे। आइए सूर्य वंश को प्रणाम करके चंद्र वंश में चलते हैं। चंद्र वंश में एक राजा हुए नाम था रंतदेव जिनके राज्य में सूखा पड़ गई घर में 250 ग्राम चावल है पकाने लगे। ब्राह्मण आ गया ब्राह्मण आकर मांगने लगा तो रंतिदेव ने उस ब्राह्मण को दे दिया कि मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता कोई भूखा नहीं रह सकता। और पत्नी से राजा ने कहा देवी आज भगवान की यही इच्छा है तो आज जल का ही भोग लगाओ आज जल का ही भोग लगाओ। जैसे ही जल का भोग लगाने लगे प्यारे एक चांडाल आ गया और पांच पांच कुत्तों को साथ लेकर आया और कहता है राजन मैं भी प्यासा हूँ मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं। रंतिदेव कहता है नहीं नहीं मेरे राज्य में कोई प्यासा नहीं रह सकता मेरे राज्य में कोई प्यासा नहीं होगा। ये लो ना जलपान करो याद रखना प्यारे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है इसी का जो गिर कर के संभल जाए जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं।
उसे इंसान कहे। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते। मिला जिनको इंसान का दिल है वही परमा तो करते हैं। दर्द अपनाए उसे कहते हैं उसे कहते हैं। दंती देव उन पांचों कुत्तों की ओर देखने लगा और भगवान से कहता है कन्हैया हे गोपाल मुझे इतना क्यों नहीं दे दिया जिससे मैं सबके दुख दूर कर सकता। और भगवान से मांगने लगा प्यारे प्रतिदेव भगवान से कहता है आइए हम भी मिलकर मांगते हैं। और क्या कहते हैं भगवान से हो मालिक इतना दीजिए या मैं कुटुंब समा मालिक इतना प्यारे दत्तदेव एक ही बात कहता है मालिक इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं। और मेरे द्वारे पर अगर कोई साधु कोई संत कोई महापुरुष कोई अतिथि आ जाए तो मेरे द्वारे से खाली हाथ ना जाए खाली हाथ ना जाए प्यारे कोई खाली हाथ लौट कर नहीं जाना चाहिए मालिक। अगर भगवान से मांगना है तो इतना ही मांगो इससे ज्यादा की कामना करोगे तो कोई फायदा नहीं है प्यारे कोई फायदा नहीं है प्यारे। बोलना दो बढ़ेगा मथुरा के राजा उग्रसेन हुए हैं जिन्होंने पुत्र कामेश यज्ञ किया उनकी पत्नी गर्भवती हुई है। एक दिन वन विहार करने चली गई दुर्मिल नाम के राक्षस की परछाई पड़ गई वही बच्चा कंस बना है प्यारे। लत्ता पत्ताओं में लपेट कर जल में प्रवाह कर दिया। मथुरा के पास में एक गांव है बटेश्वर बटेश्वर गांव के राजा हैं सूरसेन जी महाराज। वो जमुना में स्नान करने लग रहे थे उस बहते हुए बच्चे को आते हुए देखा तो सूरसेन जी महाराज ने उस बच्चे को उठाया घर ले आए प्यारे। बोलना दो बढ़ेगा तेरी मेरी करी आए। और खासकर आगे जो मैया बैठी रहती है ना वे जरूर करेंगे। और कई मैया तो ऐसी चाला के अरे ये सिंहासन पता है ऊंचा क्यों लगाया जाता है कोई इसका नियम नहीं है कि ऊंचा ही सिंहासन लगाओ। ऊंचा सिंहासन लगाया ही इसीलिए जाता है कि सबके ऊपर दृष्टि जा सके सबके ऊपर नजर हो सके कौन बतना रहो कौन कहा कर रहो है मिल्यो मिल्यो गलो पतो ना फिर मिल पामे के ना ही पामे। हाँ वो तो ऐसे ही लगे ऐसे ही आए के मिलेंगी जैसे पतो ना जिन दोबारा मिलेंगी के नहीं मिलेंगी। बोलना दो बढ़ेगा अब वो कहनी देख लदारी को हमारे बारे में बोल लो सूरसेन जी महाराज उस बच्चे को लेकर गए हैं
अपनी पत्नी को दिया और कहा देवी आज तक हमारा एक बेटा था पर गोविंद की कृपा से आज से हमारे दो पुत्र हैं। कंस बड़ा हुआ, नारद के द्वारा ज्ञात हुआ, बोले बाबा की तपस्या करी, बोले बाबा से वरदान मांगा कि मैं कभी ना मरूं। भोले बाबा ने मना कर दिया, धनुष दिया है। भोले बाबा ने कहा अरे कंस इस धनुष को शिवाय नारायण के कोई तोड़ नहीं सकता और इसे तोड़ने वाला तुझे छोड़ नहीं सकता, तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस आया है, अगासुर बकासुर दैनकासुर बड़ी भारी सेना बनाई है, मथुरा पर चढ़ाई कर दी प्यारे, अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद किया है, अपने चाचा को जेल में बंद किया है और अपनी बहन देवती का विवाह वसुदेव के साथ किया है। कथा तो बहुत मार्ग में है लेकिन आप लोगों के आधार से कह रहा हूं भाई, वक्ता वही श्रेष्ठ है ना जो श्रोताओं की भावनाओं को समझे। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं कि अपनी अपनी बक करते रहे। कोई किसी व्यक्ति ने किसी ब्यास जी को निमंत्रण दिया कि ब्यास जी कथा करने आए। अब ब्यास जी आए, पांडाल लगा, मंच सजा। अब जब ब्यास जी मंच पर आए तो श्रोता एक, सुनने वाला एक। अब ब्यास जी बोले एक श्रोता उसके लिए क्या बोले, एक के लिए क्या बोले। अब एक श्रोता बोला ये भी कोई बात नहीं महाराज जी, किसी के पास में 100 घोड़े हों और 99 में भाग जाएं, क्या एक घोड़े को घास नहीं डालेगा। वक्ता विद्वान था, प्रभावित हुआ, अब कथा सुनानी प्रारंभ तो कर दी पर विश्राम ना दे। पहले तो श्रोता हाँ हाँ हाँ, अब हाँ हाँ ते आवे लगो आ, अब श्रोता अध मरो, अब बेचारे की आ आ भी निकलनी बंद है, कब तक सुने। अब श्रोता वक्ता कहता है अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। श्रोता बोला क्या बोले, क्या बोले। वक्ता बोला आप ही ने तो कहा था कि किसी के पास में 100 घोड़े हों और 99 भाग जाएं, क्या एक घोड़े को घास नहीं डालेगा। श्रोता बोला गुरुजी इसका मतलब ये भी नहीं था कि 99 की घास एक ही खबानी है, कि एक ही के ऊपर डाल दो, ये भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो भैया वक्ताओं की श्रोताओं की भी भावना को समझना चाहिए, कहीं पतो लगे कल अकेले ही बैठे। बोलना तो पड़ेगा। कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में किया है। जैसे ही विदा करने चला तो आकाशवाणी हुई और कहा अरे कंस जिस बहन देवकी को तू विदा करने जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने तुरंत देव को जन्म भेजा, देव मेरे काल को जन्म देगी, मेरे काल को जन्म देगी, जब देव नहीं रहेगी तो मेरे काल को कहां से जन्म देगी, मेरे काल को कहां से जन्म देगी। सारी पृथ्वी थरथर कांपने लगी प्यारे, सारी पृथ्वी थरथर कांपने लगी। वसुदेव ने तुरंत हाथ पकड़ा अरे कंस तू ये क्या करता है, काल से डरता है, काल क्या कभी किसी का रुका है, याद रखना प्यारे काल कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, प्यारे कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आप कितना भी भाग लो जिस जीव की जैसे लिखी है वैसे ही मरेगा प्यारे, वैसे ही मरेगा। कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में बंद किया है, जेल में बंद कर दिया प्यारे, एक एक करके 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आए हैं, योग माया के माध्यम से माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया प्यारे। वही एक बच्चा दो माँ का कहलाया प्यारे, दो माँ का कहलाया। बलराम जी दो माँ के कहलाते हैं, देवकी के भी और रोहिणी के भी। बोलना तो पड़ेगा। अब धीरे धीरे आ रहा है भादो को महीना, कौना कन्या से कि गोपाल सुबह से पीली पीली वस्त्र पहन के बैठे आ जाओ,
घर पे जाके रोटी भी बनानी है, क्यों देर कर रहे हो? देवता लोग भगवान के जन्म से पहले स्तुति करने आए हैं, आइए हम भी मिलकर स्तुति करते हैं। क्या पता भगवान जल्दी आ जाए हमें। स्वागतम कृष्णा, सभी गाइए मेरे साथ में। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, बोलो बोलो। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम। शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम धीरे धीरे आ रहा है भादों को महीना, कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक बारह बजे मेरे गोविंद का अवतार हो गया। बोली गोविंद भगवान, बोली गोविंद भगवान, जय हो। देरी बोलो कंस को पता चल जाएगा, कंस को पता चल गो तुम्हारे भी भागो चले आवे। बोली गोविंद भगवान, बसदेव ने मेरे गोविंद को गोकुल में पहुंचाया है। वहां से कन्या ला कर दी है कंस को, कंस उसको भी मानने लगा। योग माया हाथ से छूट कर चलेगी। योग माया कहती है, अरे कंस मुझ जैसे निर अपराधों को मारने से क्या मिलेगा, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है, जन्म ले लिया है। बोलना तो बढ़ेगा, अब देखो जीतो भाई मथुरा के, अब चले गोकुल। और देखो भैया हमारे ब्रज की कथा है तो ब्रज की भाषा में ही सुना, ब्रज की भाषा समझ में आवे कि नहीं आवे, पक्की बात है। दोताएं दोताएं भगवान रोटी खा रहे, कौन बताएगा किस टाइम रोटी खा रहे थे भगवान? सही कह जाएगा ये, और ब्रज की नई भाषा निकली।
दौताएं दौताएं का मतलब है आपके हरियाणा में बोलते तड़के 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 सुबह सुबह पूरी नासी आधी तो ब्रज बोलूंगा ही बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे नंद बाबा की दो बहन थी, एक थी नंदा और दूसरी थी सुनंदा। नंदा कहती है कि भाभी रोज जल्दी जग जाई, आज क्यों नहीं जगी, एक बार जाकर तो देखूं। तो क्या देखती है प्यारे, भाभी की बगल में कोई सोने लग रहा है, भाभी की बगल में कोई सोया हुआ है। एक बार तो चदरिया उगारी फिर ढक दी। नंद बड़ी बड़ी चालाक है, नंद बहुत खतरनाक होती है, मौका ढूंढती है कब भैया के घर कछु होवे और हम ले भी जाम। एक बार तो नंदा ने चदरिया उड़ाई फिर ढक दी, बोली हे भगवान कहीं लाली ना होए, लाली होने में और तो कोई दिक्कत ना है, पर वो नौलक का हार तो तभी मिलेगा जब लाला होएगा। क्यों मौका ढूंढती है कब भैया के घर कछु होए और हम जामे, वैसे तो कोई पूछेगा ना। 21 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोला और जैसे ही चंद्रिया उठाई बोल नंद के लाला की। सुनंदा बोली है गो 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 है गो। एक ब्रजवासी बोलो कहां भयो, कछु ना भयो, वो कछु ना भयो, मोजियो मेरो भैया कहां है, बोले तेरो भैया गौशाला में माला जपते हैं। नंद बाबा सुनंदा आई और आकर क्या देखती है, नंद बाबा माला जपने लग रहे, एक पैर से खड़े ही नंद बाबा और मंत्र बताए कौन सा चल रहा है। आप भी अगर जपोगे ना तो भगवान आपके घर भी आ जाएंगे, बता दो मंत्र जपोगे कौन कौन रखेगा, हाथ खड़े करो माला हाथ में एक पैर से खड़े। अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होगो में पिछचर को तो है गो, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, और आगे उम्मीद भी ना है। माला पे मंत्र चल लो, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होगो में पिछचर को तो है गो, आगे उम्मीद भी नहीं रही। इतने में नंदा आए की बोली भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। नंद बाबा बोले अरे लाली काई बात की बधाई दे रही है, कहां बात है। सुनंदा बोली पहले यूं बताओ मो एक कह दियो, देख लाली दो एक बार बता दे तू काई बात की बधाई दे रही है, बोले पहले बताओ मो एक कह दोगे। नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी निकाली, बोले ले लाली जो तो चाहिए वो ले जियो लेकिन बता तो सही। नंदा बोली भैया साधु संतों की सेवा, गौ माँ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा से तुम्हारे घर लड़ुआ सो लाला भयो है। नंद बाबा बोले काकी लाली दोबारा बताइयो, बोले बाबा लाला भयो लाला। अच्छा एक बार माताएं मैया यशोदा को बधाई देंगी और बाबा बधाई का बाबा को देंगे। बाबा अभी तुम मत बोलियो, मैया तुम बोलियो है, मैया बधाई हो, बधाई आई है। ये क्या है, अरे सही ढंग से दियो, मैया बधाई हो। अब बाबा को देख ले, बाबा नाक को सवाल है, नेक जोर से बोलियो कहीं नाक है मत कटवा दीजिए। अब मैया तुम मत बोलियो, बाबा तुम बोलियो बधाई है, बाबा बधाई हो, बधाई हो, ऐसे होए बधाई, ऐसे होए बधाई। अच्छा चलो एक बार कंपटीशन करवाते हैं, बाबा मैया मिलके बोलियो है, बाबा मैया बधाई हो, बधाई हो। आयो कम थोड़ी खामे चाहे दुबक्के खामे पर खामे तो ज्यादा है। और देखिए आपके बीच बड़ी प्यारी झांकी आ रही है, कोई भी रख और कल गोवर्धन पूजा होगी जैसे हमारे ब्रज में मनाया जाता है। सभी अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेके आएंगे अपने हाथ से भगवान के भोग के लिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही लेके आए पर सभी बनाकर लाए। बाकी का मुगदिल परिवार तो व्यवस्था प्रसाद की करेगा ही, पर लेकिन कड़ी चावल है, लड्डू है, मोहनदार है, जलेबी है, बर्फी है, बालूशाही है और गुलगुले गुलगुले
वो जरूर लियो, वो हरियाणा के बड़े बढ़िया लगे हैं, पर लेकिन ऐसो मत करियो कहीं लेके आमे और खुद ही लेके चले जामे, थोड़े बहुत छोड़ भी जाइयो। हो नंद जो के अंगना में, और देखिए कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, नंद बाबा आ रहे हैं, सभी झांकी का दर्शन करें। हो नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जो के देखो नाचने का मौका दिया जाएगा अभी, पर कन्हैया को आने दो सीधा, अभी बैठ के आनंद लो, हाँ ऐसे नहीं चलेगा, सभी बैठ जाओ बाबा, सभी के सामने वहीं घूम जाएंगे। देखो अपने स्थान से आप खड़े हो गए तो व्यवस्था आपकी है, बिगड़ेगी, पंडित जी से कह देता हूँ सभी से बधाई ले आओ, जाओ हरी बोल। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ सो सवार बधाई लोगों, ओ लाख बार बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हरी बात तेरा दी, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात तेरा दी, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात तेरा दी, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात तेरा दी, हो राती रात में बाबा नंद की, राती रात में बाबा नंद की, देखो ये डाको बाबा, नंद बाबा, रघुनाथ जी बाबा।